इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नित्य घर का श्रृंगार करो, नित्य ठाकुर के सामने पुष्प रखो। ड्राइंग में जो ड्राइंग का टेबल है उसमें नित्य सुगंधित पुष्प रखिए। घर को स्प्रे करिए, क्या सुगंध। मंदिर को सजाइए, क्यों? अरे सजे धजे रहोगे तभी तो सांवरिया आएगा। सजाए भी हैं तो नकली फूल, ना नाक में गंधावे है ना घर में गंधावे। तेरी की क्या अर्थ है? नित्य अलंकार में रहो, नित्य रस में रहो, मेरे बाबा जैसा। करहिं विविध विधि भोग बिलासा, कनन समेत बसहिं कैलासा, हर गिरिजा विहार नित नयउ, एहि विधि विपुल काल चलि गयउ। हर गिरिजा विहार नित नयउ, एहि विधि विपुल काल चलि गयउ। जीवन कैसा तो नित्य नवीन विहार, आज कुछ है कल कुछ है, नवीन बिहार। आप देखेंगे इससे आपका जीवन नित्य नूतन बना रहेगा। अनुभूति में लीजिए, देखिए। नित्य श्रृंगार में रहिए सरकार के, क्या बात। हमारे श्रीधाम में आप आएंगे ना, कनक भवन सरकार और हमारे आश्रम सरकार के नित्य नवीन पुष्पों का अलंकार, नित्य नूतनता रहती है। ये वाले नहीं जो लटक रहे हैं, झूठे शीडो श्रृंगार नहीं, सत्य श्रृंगार। क्या लगना है? एक महीना करके देखो आप। सत्य के जितना निकट रहेंगे उतना जीवन आपका सुखमय रहेगा। सच्चा काम, सच्चा दाम, सच्चा व्यवहार, झूठा नहीं, नकली काम नहीं। भजन में भी नकली, बेकार की बात, साब असली। बारात सज गई हो गुरु आज्ञा से, सारे शकुन बारात के प्रस्थान के समय आकर सन्मुख उपस्थित हो गए। बारात चली है, सुनिय सुब्याह सगुन सब नाच, अब कीन है बिरंचि हम साच, एहि विधि कीन बरात पयाना, हय गज गाजहिं हने सा। आवत जान भानु खुल के सरितन ही जनक बधाई से। बारात जब अयोध्या जी से चली है, मार्ग में जितनी नदियां पड़ी, दूतों से खबर पाकर श्री मिथिलेश ने सब में पुल बंधन करवा दिए द्वीप का। हाँ,
ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई। करने की ललक हो तो काम असंभव कोई नहीं, सब संभव है। थक जाएंगे कैसे होगा, ये होने लायक है नहीं। अरे है नहीं होगा, कार्य मस्तिष्क में आया इसका मतलब मेरे पहले किसी ने किया होगा और मेरे बाद कोई न कोई, हम भी कर सकते हैं। मस्तिष्क में बात आ गई इसका मतलब प्रकृति में व्यवहार हुआ है और होगा, ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए, सहज निष्ठा। प्रथम बरात लगनते आई, ताते पूर्व प्रमोद अधिकारी। बरात मिथिला प्रवेश कर गई, बोलिए तिरहुत धाम की जय। जन्मासे में स्वागत भया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को लेकर आए जन्मासे में। देखिए एक व्यवहार का अवश्य जीवन में पालन करिए, हम किधर हैं ये बड़ा स्पष्ट रहना चाहिए जीवन में। हम वर पक्ष की ओर हैं कि कन्या पक्ष की ओर, और जो दोनों पक्षों में रहता है ना कि हम तो दोनों ओर से हैं, तो वो कष्ट बहुत पाता है। जीवन स्पष्ट हो, जिधर है उधर रहना चाहिए। एक दैत्य था असुर, उसकी गर्दन काट दी गई चक्र सुदर्शन के द्वारा। क्या नाम? राव। यद्यपि भगवान ने कृपा कर दी कि वो नवग्रहों में आ गए, परंतु क्यों काटी गई? या तो दोनों में रहने के कारण, एक को रहना चाहिए, एक पानी पर रहना चाहिए, दोनों और नहीं। जगत में भी रह लेंगे और भगत भी बन जाएंगे, संभव नहीं है। हम भगत हैं तो भगत रहे, किसी पर कोई बात नहीं आवेगी। चक्रवर्ती जी महाराज के आने का संदेशा जैसे मिला, खबर मिली, विश्वामित्र बाबा दोनों बालकों ऋषि मुनियों के साथ जन्मासे में आ गए। क्यों? हम वर पक्ष के हैं। अब तक सम्मान वहां हो रहा था, लेकिन जब हमारा पक्ष आ गया तो हमारा पक्ष बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। उभय पक्षी होना अच्छा नहीं, उभय पक्षी न स्त्री अच्छी न पुरुष अच्छा, न नर अच्छा न नारी अच्छा। उभय पक्ष वाले बहुत परेशान रहते, एक पक्षी रहना चाहिए। नगर के लोग मिथिलावासी विचार करते हैं कि महाराज कितने सुंदर बरात ले आए, कितने भाग्यशाली हैं मिथिला। देखिए जो जैसा होता है ना उसको उसके जैसा मिल ही जाते, सज्जन को सज्जन मिल जाते हैं, दुर्जन को दुर्जन मिल जाते हैं, सत्यवादी को सत्यवादी मिल जाते हैं, और झूठवादी को झूठवादी भी मिल जाते हैं। हम कैसे हैं ये हमको तय करना होगा, हमारे जीवन में दूसरा तय नहीं कर सकता है। तय कर लो, बहुत सुंदर स्वागत हो रहा है। नगर के नर नारी क्या सोचते हैं, क्या अच्छा होता, पुरनारी सकल पसारी अंचल विधि ही वचन सुनावही, क्या ब्याही हूं चारी हूं भाई एही पुर हम सुमंगल। चारों भाइयों का ब्याह महाराज यही कर दीजिए। क्यों?
यहाँ चार लली हैं, आपो के चार लला हैं, सब लोग ऐसा मांगते हैं। व्याह तो करना ही है, हो अच्छी बात है, जहाँ गए वहीं हो जाए, तो बार बार आना जाना समय बहुत कम रहा लोगों के पास। सब लोग बारात के विशेष भाव सौंदर्य का वर्णन करते हैं, आपने देखा, आपने देखा, हाँ हमने देखा, आह कैसी बारात है, बड़ी चर्चा होती है, समाज की भी बड़ी चर्चा होती है। जैसे हम ही लोग कथा में घूमते रहते हैं, हमारी चर्चा हो ना हो, लेकिन हमारे साथी लोगों के रहने उठने बैठने ये सब की चर्चा होती है। जैसा ये रहेंगे लोग वैसा मेरे बारे में कहेंगे, ये भजन करते मिलेंगे लोग भजन की चर्चा करेंगे, और पीते मिलेंगे लोग पीते की चर्चा करेंगे। जैसा जीवन होगा वैसा समाज कह देता है, कोई रहता नहीं है। घर हो, बार हो, वन हो, यज्ञ हो, मंदिर हो, कथा हो, चर्चा तो समाज करता है, ऐसा जो देखेगा सो कह देगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।